उत्तर प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों को बेहतर बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग एक नई पहल करने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद जी। सर, एक नई पहल होने जा रही है एक पोर्टल के जरिए, क्या है सर वो? बिल्कुल, ये सरकार की प्राथमिकता है कि पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पे सभी सड़कों की मैपिंग की जाएगी और उस पोर्टल के माध्यम से जानकारी तो उपलब्ध होगी और सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी जो रहती है सड़क निर्माण में या सेतु निर्माण में या किसी चीज़ में भी, मॉनिटरिंग। अगर मॉनिटरिंग सही ढंग से होती रहेगी तो गुणवत्ता भी सही रहेगी और कार्य भी समय पर पूरा होगा। तो पारदर्शिता लाई जा रही है, पोर्टल के माध्यम से डैशबोर्ड होगा जिसके तहत एक क्लिक से क्या सड़क की प्रगति है, क्या उसकी स्थिति है, वो सब जानकारी मिलेगी और आगे का रोड मैप उसमें बनेगा कि कौन सी सड़क किस समय पे मरम्मत लायक हो जाएगी। वो रूटीन प्रोसेस में लाया जाएगा, जैसे सेतु निर्माण भी हैं उनकी कितनी उपयोगिता है, अगल बगल कितने डिस्टेंस पे दूसरा सेतु है, ये सब जानकारी उस पोर्टल पे होगी। और ये पोर्टल बहुत महत्वाकांक्षी भी है और हम जल्द से जल्द मार्च तक इसे पूरा करेंगे ताकि व्यवस्थित ढंग से नए जमाने की तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ बैठे भी हम प्रदेश की सभी सड़कों पर निगरानी रख सकें। प्रधानमंत्री, गतिशील जो एक पोर्टल है जो कहीं ना कहीं से सड़कों को कनेक्ट करता है उससे भी इसको अटैच किया जाएगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो सड़कों पर गड्ढे होते थे उनकी फोटोज़ है, सड़कों की गुणवत्ता है वो सब उसमें लोड की जा सकेगी। इसमें जो सर्वे होंगे GIS मैपिंग करके सभी सड़कों को चिन्हित किया जाएगा और प्रधानमंत्री जी की जो गति शक्ति योजना है उसमें जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करने की योजना है, जहाँ कभी कभी सड़क बन जाती थी तो केबल उसमें डलने का बात खोद देनी पड़ती थी, ये सब दूर हो जाएंगी और एक प्लानिंग के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो दिशा है प्रधानमंत्री जी की भी और मुख्यमंत्री जी की भी, उसमें आगे बढ़ा जाएगा। सर, इधर आपने मंत्री बनने के बाद कई तरीके के आकस्मिक दौरे किए, चाहे वो लखनऊ की बात करी जाए चाहे कानपुर की बात करी जाए, क्या लग रहा है सर विभाग की अगर बात करी जाए कितना बदलाव आ रहा है? क्योंकि 30 नवंबर तक की जिस तरीके की सर एक डेट दी गई है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को गड्ढे भरने हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? कार्य हो रहा है और युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि जो भारी वर्षा के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी उनकी मरम्मत हो और जो आगे जो सड़कें हैं जो बिल्कुल ध्वस्त हैं उनके लिए भी बजट में आगे अनुपूरक में प्रावधान किया जाए, इसकी मांग की जा रही है ताकि जो पेंडिंग वर्क्स हैं उनको भी पूरा कर लिया जाए